आजकल तो जब भी मैं सुबह सुबह हल्का होने जाता हूँ तो अंदर से दरवाजा लॉक करके ताला लगा लेता हूँ, कहीं कोई क्रिकेटर आके ये ना बोले। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना। ड्रीम इलेवन मेक योर टीम नाउ। जी हाँ, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है, तो शुरू करते हैं बिना किसी चूतिया पे। ड्रीम इलेवन पे टीम बनाने के लिए आजकल इस तरह जबरदस्ती हो रही है, अगर आप कुछ भी करते हो, कहीं से भी पैसा लाओ, आप नौकरी करते हो नौकरी लगाओ, खेती करते हो खेती लगाओ, मजदूरी करते हो मजदूरी लगाओ, अंडे बेचते हो अंडे लगाओ, टमाटर बेचते हो टमाटर लगाओ, प्याज लहसुन अदरक कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, मरो या मरवाओ, लेकिन ड्रीम इलेवन पर टीम मराओ भैंचो। क्या चूतिया पर चल रहा है? और मैं आपसे कहता हूँ, कहीं भी पैसा लगाओ कुछ भी लगाओ, ज़्यादा ही खुजली है ना आपके, तो ड्रीम इलेवन पर मत लगाओ। अगर ज़्यादा ही चनूने काट रहे हैं ना, तो एक देसी दारू के ठेका देखो कहीं और देसी पौवा खरीदो और सालक चक से पियो, कम से कम नशा तो करेगा। और अगर आप ड्रीम इलेवन पे टीम लगाओगे तो आपके पास बचेगा बस बाबा जी का ठुल्लू जी। क्रिकेटरों का खुद का करियर तो एकदम सेट है, हम लोगों का बिगाड़ने में लगे हुए टीम मनाओ टीम मनाओ टीम मनाओ, क्यों मनाए बहनचोद? अजी गधैया की पूंछ, पूंछ ही बोला है, गलत मत सोचना, गधैया के पास पूंछ भी होती है, जरूरी नहीं हर समय सुरंग को ही बदनाम किया जाए। एक बात अच्छी है बहनचोद, ये अच्छा है आईपीएल शादियों के सीजन से पहले ही खत्म हो रहा है, नहीं तो शादी कोई करता और ये उस दिन जाके बोलने लगते। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। हाँ भाई वाह, शादी कोई करे रसगुल्ला कोई और खाए, ये अच्छा है भाई। ऋषभ पंत ने तो ड्रीम इलेवन के चक्कर में सारा आईपीएल सीजन फ्लॉप ही निकाल दिया, अपने खेल पे कोई ध्यान ही नहीं, सारा ध्यान तो हम लोगों की टीम बनाने पे। मेरी सीधी सीधी एडवाइस है, अपने खेल पे ध्यान दे दो, कुछ नहीं बचेगा, नहीं कुछ दिन बाद ऐसा ना देखे आप भी हमारी तरह बैठकर टीम बनाओ। मुफ्त का ज्ञान है भैया, समझ में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक है। और दादाजी ने भी अपनी टीम बनाना शुरू किया, दादाजी मतलब दादा सौरभ गांगुली, उन्होंने भी अपना ड्रीम इलेवन सर्कल से इलेवन सर्कल चालू कर दिया, एक ड्रीम इलेवन इन्होंने सर्कल बना दिया। अंतर क्या है दोनों में, मैं बताता हूँ अंतर क्या है, बस उसका नाम अलग है काम एक ही है, मतलब जुआ। पहले जुआ चलता था छुपके, अब चल रहा है खुले में, यही अंतर है। दोनों की टीमों में कोई अंतर नहीं, काम वही है, आप लगाओ पैसे हम बनाए पैसे, आप डालोगे इनके जाएगा जेल में, आपको क्या बचेगा पहले ही बता दिया हूं। ये हार्दिक पांड्या ने भी अपने टीम बनाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ड्रीम इलेवन पे नहीं, वो अपनी खुद की टीम बना रहे हैं। आप लोगों से बोल रहा हूँ अपने खुद पे ध्यान दो, शादी करो और अपनी खुद की टीम बनाओ, ड्रीम इलेवन को छोड़ो गोली मारो, ये सीधा सीधा जुआ है। मैं भी पढ़ा था पिछले साल इसके चक्कर में, पूरा आईपीएल के सीजन ही सोचता रहा आज 1 करोड़ जीतूंगा आज 2 करोड़ जीतूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा, साला हार हार के आजकल मेरे पास एक ही चीज बची है, वो एक पैर का मोजा, वो भी साला फटा हुआ, उसे भी चूहे लेके। कम पैसा लगाकर ज्यादा पैसा जीतने की आस में खुद को कंगाल कर लेना ही जुए की परिभाषा है, जिसे डेफिनेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। अगर आप लोगों को ज्यादा खुजली है तो लगाओ, और वैसे जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा तब कहोगे सरकार वो नहीं दे रही हमें क्या रोजगार, जब कुछ नहीं बचेगा तब ढूंढोगे रोजगार। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो अच्छा बड़ा होना था हो लिया, अभी भी समझ जाओ जितनी फटनी थी ठीक है, अगर इससे ज्यादा फटी तो सिलने लायक नहीं रहेगी। लेकिन आज का ज्ञान हम आज यहीं समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो लाएंगे इसी तरह किसी ज्ञान और ध्यान से भरी हुई, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जब ड्रीम इलेवन पे टीम बना सकते हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना इतना भी बुरा नहीं है।